हे मॉर्निंग, चलो सम गुड न्यूज़। द S1000 हैज़ बीन सोल्ड टू टर्बो एक्सट्रीम। भाई सो अगर आप लोग S1000 को बहुत मिस करते थे, अभी यार आपको मिस नहीं करना पड़ेगा, आप जाके उनके वीडियोस में देख सकते हो। सॉरी, बिहार से? यस, आई एम फ्रॉम बिहार। सो वी जस्ट मेड वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, ही इज फ्रॉम बिहार। तो आप बिहार से बाइक लेके आए हो? वाओ, सो हाउ वाज द रोड्स? तो मतलब बिहार से भुवनेश्वर बहुत अच्छा था। जमशेदपुर से जगन्नाथपुर होते चंपुआ और चंपुआ के बाद से फिर केवंझर होते हम लोग। ओके ओके, वो पीछे वाला रोड। ओके ओके, वो रोड तो अच्छा है, मैं जानता हूं। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। सो आई एम रीडिंग दोस टू फाइनेंस बुक्स नाउ। वन इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एंड द अदर वन इज रिच डैड पुअर डैड। दोनों का लिंक मैं नीचे डाल देता हूं। बाकी एक चीज मेरे को समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे जो फाइनेंस वाले गुरुज रहते हैं वो बोलते हैं कि ओनली क्रिएट एसेट्स, सेव करो सेव करो सेव करो। भाई ये क्या लॉजिक हो? अगर आप ओनली सेव करते हो, मतलब अपने लिए कुछ खर्चा नहीं करते, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ, यू आर नॉट एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ओनली सेव कर रहे हो, सेव करो, एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, तब एंजॉय कब करोगे? बुढ़ा होकर एंजॉय करोगे? इट डजंट मेक सेंस। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ? आप कमा रहे हो अपने लिए, अगर आप अपने लिए कुछ खर्चा नहीं कर सकते, अपने लिए थोड़ा कुछ मतलब स्पेंड नहीं कर सकते अपने खुशी के लिए, तो वो जो सेव करके एसेट्स क्रिएट करके मतलब क्या हुआ? बुढ़ा होगा तो आप वो पैसा कुछ वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। तो ये लॉजिक क्या? मेरे को थोड़ा समझाओ। मेरे को तो समझ भी नहीं। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंस बुक्स, बाकी मेरे को ये वाला लॉजिक समझ। और जो भी बुक मैं पढ़ता हूँ उसमें वही बताया जाता है कि डोंट स्पेंड, डोंट स्पेंड, डोंट क्रिएट लाइबिलिटीज, ओनली क्रिएट एसेट्स, क्रिएट एसेट्स, सेव 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 सेव। भाई सेव ही करते जाओगे, सेव ही करते जाओगे तो लाइफ को एंजॉय कब करोगे? देखो मेरा रूल एंड मेरा लॉजिक पूरा सिंपल है। इफ यू आर अर्निंग 100, 10 सेव करो, 10 इन्वेस्ट करो और 80 में जो भी होता है अपने लिए खर्चा करो, नीड्स के लिए खर्चा करो, जो भी होता है खर्चा करो अच्छा से एंड लीड ए गुड लाइफ। भाई खाली सेव करके क्या मिलेगा? अगर हाँ फिर भी आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा सेव करना है, मे बी यू कैन चेंज द 10 to 20%, मतलब 20% सेविंग्स, 20% इन्वेस्टमेंट और जो 60% में मस्ती करो। भाई ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जो 100 कमाते हैं उसमें से 90 को सेव करते हैं, 90 को इन्वेस्ट करते हैं और 10 में पूरा भिखारी की तरह दे लीड द लाइफ। सो आई डोंट गेट इट। सो फॉर मी इट्स सिंपल, लाइक इफ यू आर मेकिंग मनी फॉर योर सेल्फ, यू आर स्पेंड। अगर जब कभी एज है, अगर एज रहने के टाइम अगर लाइफ को आप एंजॉय नहीं करें, बुढ़ा होके क्या करोगे भाई साहब? एंड इट्स मंडे राइट नाउ, टाइम इज समवेयर अराउंड 7:10 AM। सुबह सुबह उठ के मैं निकल चुका हूँ एंड मंडे मतलब पूरा एक लंबा वाला लिस्ट पेंडिंग रहता है। आज के लिए मैं और कोई नया वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोना शूट सम पार्ट्स ऑफ इट, क्योंकि आज हमारा SBK स्टोर कुछ तो शिपमेंट आया है, आई नीड टू गो एड एंड अनपैक इट। एंड उसके अंदर एज यूजुअल SBK स्टोर शिपमेंट आया है, मतलब उसके अंदर मेरा कोई ना कोई एक छोटा वाला सामान रहेगा, वो जाके एक बार देखते हैं। कुछ नया हेलमेट्स भी मे बी कस्टमर्स का आए हुए हैं, वो भी जाके एक बार अनपैक करके देखते हैं। फॉर नाउ आई नीड टू गो टू द स्टूडियो, सेट अप समथिंग, क्योंकि कल और आज के लिए तो वीडियोज है, बाकी दो दिन के बाद की वीडियोज के लिए ऑफिस मेरे को प्रिपेयर होना पड़ेगा। एनीवेज, आई विल सी यू गाइस फ्रॉम द ऑफिस। अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि भाई व्हाई डोंट यू वेट फॉर टेस्ला, व्हाई आर यू गोइंग फॉर अ लैंड रोवर, व्हाई आर यू गोइंग फॉर अ जीप कंपास, आपके लिए टेस्ला सही रहेगा, व्हाई डोंट यू वेट फॉर अ टेस्ला। अभी टेस्ला के लिए हमें पूरा डिटेल्स में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके साथ टोटल पूरा रीजन शेयर करूंगा। बाकी आपको एक ही मेन पॉइंट कह देता हूं, देखो टेस्ला खरीदने का जो रहेगा 100% रीजन इज गोइंग टू बी गेटिंग टू यूज द टेक ऑफ टेस्ला। अगर आप इंडिया में कार खरीदते हो, इफ यू आर नॉट गेटिंग टू यूज द 100% टेक ऑफ टेस्ला, जो कि मेन है ऑटोनोमस ड्राइविंग, मतलब बहुत सारा फीचर्स है जो कि आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन व्हाई टेस्ला सेटअप है R&D सेंटर फर्स्ट। वो पहले R&D सेंटर डालेंगे, उसके बाद जाके सब R&D करेंगे, मार्केट सिचुएशन देखेंगे, इंडिया में सेल्स फिगर देखेंगे, इंडिया में डिमांड है कि इंडिया में लोग खरीद सकते हैं, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। एंड उसमें से जो उनका मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगा वो रहेगा कि इंडियन रोड्स में टेस्ला का टेक कैसे काम करेगा, उसके लिए उनके लिए क्या क्या अपडेट्स देना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मेट अपडेट्स देंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे, वो रहेगा मेन। एंड आई डोंट थिंक टेस्ला कार्स आर गोइंग टू कम टू इंडिया एनी टाइम सून बिफोर 2022। एटलीस्ट उनको 1 साल या 2 साल तो लगेगा ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि मे बी 2-3 महीना के बाद आएगा, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू रिलीज द कार्स, क्योंकि इलन मस्क जैसे हैं, ही इज नॉट गोइंग टू रिलीज एनी ऑफ द आर कार्स विदाउट 100% रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हाँ इंडिया में पूरा प्रॉपर काम करना चाहिए। क्योंकि जब इफ समवन इज स्पेंडिंग, क्योंकि मॉडल 3 जो उनका जो मतलब बेस वाला मॉडल है, इट्स गोइंग टू कॉस्ट एटलीस्ट लाइक 60 to 70 lakhs, एंड इफ समवन इज स्पेंडिंग लाइक 60 to 70 lakhs विद अ ब्रोकन टेक, इंडिया में काम नहीं करता हो, ये नहीं करता हो, वो नहीं करता हो, I don't think people are going to appraise, मतलब वो ये तो देखे हो हमारे लोग तो मतलब sensitive, total sensitive, कुछ भी हुआ तो मतलब फटाक से गाली वाली बकना शुरू करते हैं। आपने already देखा वो जो KGF के trailer में ही क्या क्या लोग कह रहे थे, मतलब हाँ दूसरे सब कंट्रीज में लोगों के लिए जोक, इंडिया में लोग ऑफेंडेड, वही होता है। अगर इतना पैसा देकर वो लोग कुछ खरीदते हैं और काम नहीं किया, उसके बाद तो वो पूरा टेंशन में आ जाएंगे। मे बी दैट इज द रीजन आई डोंट थिंक टेस्ला कार्स आर गोइंग टू गेट रिलीज इन इंडिया एनी टाइम सून। वो तो कह रहे हैं कि ये साल आएगा मॉडल 3, आई डोंट थिंक सो, मे बी नेक्स्ट साल या फिर 1 साल के बाद जब उनका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा मतलब रेडी हो जाएगा कि हाँ टेक फाइनली इज गोइंग टू वर्क इन इंडिया, जो कि बहुत टफ है। इंडिया में ऑटोनोमस ड्राइविंग
I don't think it's going to work anytime soon. So that is one of the main reasons why I'm not waiting for Tesla. Second reason is Tesla Model 3 is a sedan. Tesla Model X, it's a kind of SUV, baki uska size mere ko acha nahi lagta. Model 3, I like it. And Model 3, maine aisa hi plan kiya ki mera abhi jo bhi sab matlab trips rahega, international road trips rahega, I'm going to take the Model 3 long range wala only. So I will be doing a lot of videos about Tesla. But India mein aur main aur ek sedan lena nahi chahta. I already had a A4, so sedan ka experience ho gaya. I need a SUV right now to make tours all over the country. So wahi aapka plan. And Tesla, that is the main reason why I'm not taking a Tesla. So bahut logon ne pucha tha ki bhai aap Tesla ke bare mein video banao. Tesla ka pura alag se ek dedicated video mein banaunga. This was just the video to tell you like why I'm not going for a Tesla. Bhai life mein sari khushi ek taraf hai and apna riding gear aane ka khushi ek taraf. Abhi mera aaj bhi ek chota wala ek riding gear aaya hua hai. This is the Alpine Stars Motocross. Motocross ke liye to use nahi karta. I actually needed one, matlab chota wala ek t-shirt chahiye tha. क्योंकि हर दिन वही एक एक टी शर्ट पहन के जाने के लिए मजा नहीं आता. सो आई कीप माई मतलब इनर वाला जो कलेक्शन रहता है अपना राइडिंग गियर का, नॉर्मली कीप लाइक 7 to 10 ऐसा वेरिएंट रहना चाहिए, तो फिर एटलीस्ट राइड में जाने के लिए मजा लगेगा. सो दिस इज द फ्लैगशिप जर्सी फ्रॉम एल्पाइन स्टार्स एंड यू आर गोइंग टू सी दिस जर्सी मे बी नेक्स्ट राइड में आप देखोगे. सो लव इट, स्मॉल साइज गोइंग टू फिट. एंड अभी और भी क्या क्या सब आया है एक बार जाके देखते हैं खोल के. सबसे पहले ये वाला हेलमेट देखते हैं. दिस इज द HEC अल्फा 70 कॉप्टिक. ओके, कॉप्टिक एक नया वाला मॉडल है ब्लैक एंड ग्रीन में. इट लुक्स ग्रेट एज वेल. देखते हैं हाउ इट लुक्स. पे AGV वालों ने एक्स्ट्रा वाला वाइजर नहीं दिया है. नॉर्मली अल्फा वाला मॉडल में आता है, बाकी ये अल्फा वाला जो 70 वाला मॉडल पे दे हैवंट गिवन वन एक्स्ट्रा वाइजर. सो बेसिकली अगर कोई अल्फा 70 खरीदता है, इज नॉट गोइंग टू गेट वन एक्स्ट्रा वाइजर. दिस इज हाउ इट लुक्स. गुड. और ये सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड वाला HEC, इसका मॉडल क्या है? द मॉडल इज i70 प्रिका MC5. आई थिंक दिस इज ए मॉड्यूलर हेलमेट. देखते हैं, ये प्रिका भी मैंने कभी देखा नहीं है. खोल के देखते हैं हाउ इट लुक्स. ओके, सो दिस इज द i70 HEC प्रिका हेलमेट. ये मॉड्यूलर नहीं है, इट्स ए फुल फेस हेलमेट ऑनली. दिस इज हाउ इट लुक्स. लुक्स गुड राइट. कलर्स थोड़ा ऑड है, बाकी किसका कैसा टेस्ट. अभी और एक ये फॉर्मा वाला बूट्स. एंड फॉर्मा वाला बूट्स अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि इसका जो अपना एल्पाइन स्टार्स है डायनेजी का, अभी सप्लाई का बहुत सारा इशूज रहता है. बहुत जगह तो डायनेजी मिलता भी नहीं है एंड एल्पाइन स्टार्स भी कहीं मिलता भी नहीं है. उसीलिए लोग आजकल फॉर्मा बहुत खरीदते हैं, क्योंकि यही ऐसा वाला अगर सेम वाला बूट है एडवेंचर बूट्स, अगर आप डायनेजी या एल्पाइन स्टार्स का लेते हो, इट्स गोइंग टू बी मोर देन 35 या 40 थाउजेंड. दिस इज लेस देन 22,000. एंड ये है पूरा ब्लैक वाला. इसका और भी एक कलर आता है, ब्राउन वाला भी आता है. एंड मेरे को तो ये अच्छा दिख रहा है. ये एक ऐसा वाला एक बूट चाहिए भाई GSA के लिए. नेक्स्ट वाला शिपमेंट में तो मेरे लिए खुद के लिए एक फॉर्मा वाला ऑर्डर कर लेंगे. बाकी दिस इज हाउ इट लुक्स, यू कैन सी दैट. एंड ये टोटल एडवेंचर बूट्स है. अच्छा वाला, मतलब सोल भी खतरनाक है. ये भी मस्ट टॉल है. ये जगह प्रोटेक्शन भी आपको आ गया. सो लुक्स नाइस. सो इफ यू आर समवन हु इज राइडिंग ए एडवेंचर बाइक लाइक GS, GSA, टाइगर हो या KTM 300 एडवेंचर हो, दिस इज अ नाइस एड ऑन. एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, जस्ट 22,000 ऐसा कुछ आता है. एंड लुक्स ग्रेट एंड परफेक्ट. कलर भी परफेक्ट है, ब्राउन एंड ब्लैक दोनों में अवेलेबल है. एंड ऐसे बहुत सारा सामान भी आया हुआ है, बाकी मेरे को ओनली वही वाला दिखाना था कि जो सब मतलब मैंने देखा नहीं था. एंड अभी मेरा वाला अगर इतना सारा सामान आपने देख भी लिया, अभी मेरा वाला टी शर्ट भी देख लो. ये जो राइडिंग वाला टी शर्ट, ये वाला एक्चुअली एक मोटोक्रॉस का है. बाकी मैं तो मोटोक्रॉस के लिए जाता नहीं. आई जस्ट यूज माई GSA फॉर लाइक ऑफ रोडिंग मीन्स सॉरी टूरिंग. एंड दिस इज माई टी शर्ट, यू कैन सी दैट. एल्पाइन स्टार्स का है. दिस इज इट लुक्स. एंड अभी और एक सामान भी आया हुआ है, द स्ट्रैप फॉर दिस ओमेगा. अभी ये आया है कहाँ से, लंदन से आया है. एंड दिस इज हाउ द स्ट्रैप लुक्स. आज मेरे को यूएस स्ट्रैप अभी चेंज करने के लिए अभी वॉच वाला स्टोर को ही लेना पड़ेगा. मे बी वॉच वाला स्टोर भी कर पाएगा कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं है. सो आई हैव एक्चुअली लर्न द ट्रिक हाउ टू चेंज दिस थिंग. आज जाके रात में क्या ट्राई करते हैं. सो दिस इज हाउ द स्ट्रैप लुक्स लाइक. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. अगर आपने ये वीडियो इतना तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब करके जाना, फ्री है. लाइक वाला बटन भी मार देना, वो भी फ्री है. दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर कर देना. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद न्यू व्लॉग. बाय बाय.